किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। क्या आपको राहुल गांधी की संपत्ति के बारे में जानकारी है? क्या आपको ये पता है कि कितने करोड़ के मालिक है राहुल गांधी? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन कर दिया है। इस दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पास 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी दी है, जिसमें 4,20,000 रुपए का सोना भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि करोड़ों के मालिक होने के बाद भी उनके पास ना तो कार है और ना ही अपना घर है। चुनाव आयोग को दी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने 9,24,59,264 रुपए की चल संपत्ति की घोषणा की है, जिसमें 4,33,60,519 रुपए के शेयर और 3,81,33,572 रुपए के म्यूचुअल फंड, 26,55,157 रुपए बैंक बैलेंस और 15,21,740 रुपए के गोल्ड बॉन्ड शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने अपने पास 11,15,02,598 रुपए की मौजूदा बाजार कीमत की अचल संपत्ति होने की भी जानकारी दी है, जिसमें से 9,04,89,000 रुपए की संपत्ति उन्होंने खुद खरीदी है, जबकि 2,10,13,598 रुपए की विरासत में मिली संपत्ति भी शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता ने अपने पास 55,000 रुपए नकद होने की जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास 333.3 ग्राम सोना है, 4.2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास कोई कार या अन्य तरह का वाहन और कोई घर नहीं है, लेकिन उन पर 49,79,184 रुपए का कर्ज है। उनके पास अचल संपत्ति के रूप में दिल्ली के महरोली स्थित गांव सुल्तानपुर में लगभग 3.778 एकड़ की कृषि भूमि है, जो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी हिस्सा है। इसके अलावा गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर्स में 5,838 वर्ग फीट के वाणिज्यिक अपार्टमेंट है, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग 9.05 करोड़ रुपए है। राहुल ने बताया कि उनकी आय का स्रोत सांसद के तौर पर आने वाला वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज और म्यूचुअल फंड से मिलने वाला लाभ। साथ ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 में अपनी कुल आय का भी खुलासा किया। 2022-23 में उनकी कुल आय 1,02,78,680 रुपए घोषित की गई है, जबकि 2021-22 में उनकी आय 1,31,04,970 रुपए थी। वहीं आपको राहुल की शिक्षा के बारे में भी जानकारी देते हैं। नामांकन पत्र के मुताबिक राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री की है। इसके अलावा उन्होंने रोलेंस कॉलेज फ्लोरिडा में आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री की है। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर के कई राज्यों में 18 मामले दर्ज हैं। कांग्रेस नेता ने हलफनामे में अपने खिलाफ किसी अन्य आपराधिक मामले का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें मार्च 2023 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा तथाकथित मोदी समाज के खिलाफ दिए गए कथित अपमानजनक बयान के लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले में उन्होंने गुजरात के सूरत में जिला न्यायाधीश की अदालत अपील दायर की है। जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की है और ये मामला अदालत के समक्ष लंबित है। तो ये जानकारियां राहुल गांधी ने अपने नामांकन पत्र में दाखिल की है। इसी तरह की खबरों के लिए
आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।